कि क्या हिंदी में एमबीबीएस वर्थफुल रहेगा, तो मैं बोलूंगा कि हिंदी में एमबीबीएस करने की बजाय सरकार को जो है बच्चों की फर्स्ट ईयर में इंग्लिश को मजबूत कर देना चाहिए था, ताकि वो इंग्लिश की किताबें अच्छे से पढ़ पाते, एमडी एमएस में उनको दिक्कत ना होती, अमेरिका जाते तो दिक्कत ना होती, है ना, और उनको सुपर स्पेशलाइजेशन करना था तो दिक्कत। क्या डीएम के लिए भी किताबें जो होती हैं उनको भी हिंदी करेंगे? क्या एमडी की किताबें भी हिंदी करेंगे? कितनी किताबें हिंदी करेंगे भाई, ये तो बता दो। क्या हम जो मेन स्ट्रीम्स है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है एडीए, या एंडोक्राइनोलॉजी एसोसिएशन है, या रूमेटोलॉजी एसोसिएशन है, उसके मेंबर बनेंगे तो क्या वहां पे लोग आपसे हिंदी में बात करेंगे? आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी, मैं हिंदी का बहुत बड़ा हिमायती हूं क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम क्यों हम मल्टीपल लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, क्यों हम एक ही लैंग्वेज पर डिपेंडेंट रहे? क्या हम मल्टीपल लैंग्वेज सीखकर यहां तक आगे नहीं बढ़े हैं? क्या देश का नाम जो है दुनिया भर में, आज अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टर इंडियन हैं, अब बहुत सारे नासा में साइंटिस्ट इंजीनियर जो है वो इंडियन हैं, इसलिए क्योंकि उनकी इंग्लिश भी बेहतर थी और वो इंग्लिश को इम्प्रूव किए, और अधिकांश लोग हिंदी मीडियम से या साउथ के अपने रीजनल मीडियम से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हुए थे वो। मैं भी वैसे ही हुआ, मैंने भी अपना पूरा पीजी पूरा एमबीबीएस इंग्लिश में ही किया हुआ है मैंने। मुझे फर्स्ट टाइम में थोड़ी दो चार महीने दिक्कत गई, उसके बाद दिक्कत सॉर्ट आउट हुई। फालतू का प्रोपेगेंडा करने से अच्छा ये था कि हम जो बच्चे हिंदी मीडियम के मेडिकल कॉलेज में आए थे, जिनको दिक्कत हो रही थी, उनके लिए हम इंग्लिश की क्लासेस की या इंग्लिश की बेहतरी की कोई व्यवस्था करते, या बेसिक इंग्लिश का कोई कोर्स, या उनको उस तरह का कुरिकुलम प्रोवाइड करते, जिससे कि उनकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।